आज हम क्रिस्पी और कुरकुरे प्याज के पकोड़े बनाएंगे एक अलग तरीके से। बारिश के मौसम में जब भी आपको पकोड़े खाने का मन करे, इस तरह आप पकोड़े बना सकते हैं, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं तुलसी और मेरे रसोई में आपका स्वागत है। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बहुत सारा प्याज। मैंने एक प्लेट भर के प्याज को काट लिया है लंबा लंबा करके। प्याज को हमें ना ज़्यादा मोटा काटना है ना ज़्यादा पतला काटना है, मीडियम साइज में काटना है। अब इसमें जाएगा नमक, हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, अजवाइन। अजवाइन को मैंने ऐसे हाथों में क्रश करके डाला है। अजवाइन डालने से पकौड़े में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा और डाइजेस्ट होने में भी मदद करेगा। थोड़ा सा हींग डाल देंगे, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, वरना स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्का हल्का दबाते हुए मिक्स करेंगे ताकि प्याज के सारे लेयर आपस में खुल जाए। देखिए प्याज के सारे लेयर अलग अलग हो गए हैं। अब हम इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि प्याज अपना सारा पानी छोड़ दे। 5 मिनट बाद हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। 1 कप बेसन डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले से पानी नहीं डालना है, पहले सूखा सूखा ही मिक्स करेंगे, उसके बाद पानी डालेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगेगा, थोड़ा सा ही पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। बस अच्छे से एक बाइंडिंग आना चाहिए। बैटर को हमें बिल्कुल भी पतला नहीं करना है। मैंने इसमें एक चुटकी भर सोडा का भी इस्तेमाल किया है। देखिए बेसन और प्याज अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ा सा बैटर उठा के चेक कर लेंगे, ऐसे लड्डू बनना चाहिए, तभी हमारा प्याज के पकौड़े क्रिस्पी बनेगा। दूसरी तरफ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऐसे लड्डू बनाकर हम तेल में छोड़ते जाएंगे। अब जिस साइज में बनाना चाहते हैं उसी साइज में बना सकते हैं। मैं मीडियम साइज का गोला बनाकर तेल में छोड़ रही हूँ। कढ़ाई में जितना आएगा उतना सारा लड्डू बनाकर हम डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाइक के बटन को जरूर दबाएं। अगर पसंद नहीं आ रही है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। मैंने जितना बैटर बनाया था सारा ही कढ़ाई पर आ गए हैं। इसे हमें हल्का सा ही फ्राई करना है, बस ऊपर ऊपर से सेट हो जाना चाहिए। 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे निकाल लेंगे। उलट पलट कर दोनों तरफ से हल्का सा पका लेंगे। इसे हमें डबल फ्राई करना है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। अब हमें इस तरह का 2 प्लेट चाहिए। इसकी मदद से हम पकौड़े को दबा कर चपटा करेंगे और दोबारा फ्राई करेंगे। देखिए मैं किस तरह बना रही हूँ। एक पकौड़े को ऐसे लेंगे और दूसरे प्लेट की मदद से दबा लेंगे, अच्छे से चपटा हो जाना चाहिए। अगर आप पहले से ही पकौड़े को ज़्यादा फ्राई कर लोगे तो इस तरह चपटा नहीं होगा, फट जाएगा। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। तेल अगर ज़्यादा गर्म होगा तो पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सेम इसी तरीके से दबाते हुए तेल में छोड़ते जाएंगे ध्यान से। पकौड़े को हम 2 बैच में फ्राई करेंगे, सारे पकौड़े एक साथ नहीं आएंगे। धीमी आंच में हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तुरंत इसे उलट पलट करने की कोशिश ना करें, नीचे से गोल्डन दिखने लगे तभी हमें पलटना है, नहीं तो टूट सकता है। देखिए ये दोनों तरफ से गोल्डन हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरा बैच भी फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको क्रिस्पी पकौड़े पसंद है तो इस तरह पकौड़े बनाकर जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। इसे आप ग्रीन चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ भी खा सकते हैं। मैंने इसे टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। आप इसे बनाएं और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।